राजस्थान अशोक गहलोत पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव के परिणामों की समीक्षा करने की जरूरत है क्योंकि पूरा देश और एग्जिट पोल सब कांग्रेस की जीत बता रहे थे, लेकिन अचानक परिणाम बिल्कुल उलट आ गए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जब कोई पार्टी चुनाव हारती है तो कहीं ना कहीं इसका असर कार्यकर्ताओं पर और पार्टी पर भी पड़ता है, इसको मानना चाहिए। समीक्षा करना आवश्यक भी है क्योंकि परिणाम बड़े अप्रत्याशित रहे हैं। पूरा देश, पूरा प्रदेश, प्रदेशवासी और कार्यकर्ता, मीडिया, एग्जिट पोल सब एक तरफ बता रहे थे कांग्रेस के बारे में। अचानक ही परिणाम बिल्कुल उल्टे आ गए तो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने, राहुल जी ने मीटिंग बुलाई, बातचीत करी भी, क्या हो सकता है, क्यों हुआ होगा। आखिर में चिंतन मनन करने के बाद में तय हुआ कि कोई ना कोई एक तय में जाना चाहिए इसके कि वास्तव में हुआ क्या है। तो इसलिए वो एक टीम बनाएंगे, वो सबसे बातचीत करेगी और ये प्रयास करेगी कि भाई आखिर में क्या हुआ। कोई ईवीएम की बात करता है, कोई और, आप जानते हो कि चुनाव की पार्टी हारती है तो चर्चा मारते हैं आपकी गुड़बाजी थी या जाति समीकरण बदल गए या अति आत्मविश्वास हो गया, ये तीन चार मुद्दे होते हैं। राजस्थान के उपचुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, तो लोकल चुनाव है, यहाँ के चुनाव है, इसमें कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। पर चुनाव कोई पार्टी हारती है मान लो तो कार्यकर्ताओं में, चाहे वो प्रदेश हो चाहे देश हो, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। उधर आगामी दिनों में सूबे की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लिहाजा बीजेपी उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है और साथ ही उपचुनाव को लेकर विधायकों को प्रभारी नियुक्त किया गया है। विधानसभा सीट झुंझुनू पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा बूथ और मंडल स्तर के संगठन को सक्रिय करने में जुट गई है। प्रदेश मंत्री विजेंद्र पूनिया ने आज सुल्ताना ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक की। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी और नवलगढ़ के विधायक विक्रम जाखल मौजूद रहे। इस बैठक में बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक और बूथ समिति के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। विजेंद्र पूनिया ने कार्यकर्ताओं से 1-to-1 संवाद किया, बातचीत की। आज झुंझुनू विधानसभा के उपचुनाव की दृष्टि से सुल्ताना मंडल की बैठक आयोजित की है। हमारे सभी बूथ अध्यक्ष, हमारे शक्ति केंद्र संयोजक, प्रभारी, वो सब कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित रहे हैं। हम संगठन को एकदम नीचे तक की बैठ के, बूथ स्तर तक हमारी बैठ के करना, हमारी बूथ समिति की बैठ के, हमारा शक्ति केंद्र पर कार्यकर्ताओं की बैठ के, ये हमने अभी अभियान शुरू किया है। उधर कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल प्रशासन की फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल के गेट पर एक मरीज पिछले कई महीनों से तड़फ रहा है और